Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is general knowledge. We can say GK. Okay, but in this book we have done chapter 5. 5 chapters hum log complete kar chuke hain. Today we will do chapter 6. So get ready quick and open chapter 6. That is on page number 11. It is your chapter 6. What is the name of this chapter? Intelligent animals. हम human beings को ही हमेशा intelligent बोलते हैं, लेकिन इस chapter में हम read करेंगे कि animals जो होते हैं वो भी बहुत intelligent होते हैं. Do you know this thing? If you know, that's okay. If you don't know, so I'm going to tell you how the animals are intelligent. Okay? So chapter reading start करते हैं. There are many creatures बोथ बिग एंड स्मॉल. आपको पता है धरती पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि कई छोटे होते हैं और कई बड़े भी होते हैं, यानी छोटे बड़े एनिमल्स होते हैं. सम आर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें से कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. द बिहेवियर ऑफ दीज एनिमल्स इज इंटरेस्टिंग टू वॉच. इन एनिमल्स का बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है. टू वॉच, जिसको कि हम देखते हैं, हम यानी किसी भी एनिमल का व्यवहार अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर? आइडेंटिफाई द एनिमल्स. फर्स्ट यू सी द पिक्चर. आपने पिक्चर देख के ही रिकॉग्नाइज कर लिया होगा. व्हाट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट? क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में? एग्जिबिट एस्टोनिशिंग मेंटल पावर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ लर्न साइन लैंग्वेज. क्या क्वालिटी है इसके अंदर? ये आश्चर्यजनक मेंटल पावर शो करता है, एग्जिबिट करता है, प्रदर्शन करता है, यानी इसकी मेंटल पावर बहुत तेज होती है. Including the ability to learn sign language. और तो और ये sign language को भी समझ लेता है. What is the name of it? क्या name है इसका? Can you identify? बेटा it is chimpanzee. क्या name है इसका? Chimpanzee. Chimpanzee. चिंपैंजी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल? चिंपैंजी. क्या क्या करता है चिंपैंजी बेटा? ये आश्चर्यजनक मेंटल पावर शो करता है और साइन लैंग्वेज को भी समझता है. नेक्स्ट है बेटा, दे आर इंटेलिजेंट इनफ. ये पिक्चर देखिए, फर्स्ट सी द पिक्चर. आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा. दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन फेसेस और सॉरी एंड टू हाइड दियर फूड फ्रॉम अदर बर्ड्स. ये एनिमल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेस, यानी जो ह्यूमन फेस है ना, इंसान के चेहरे को पहचानने में ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. एंड हाइड दियर फूड फ्रॉम अदर बर्ड्स, और अपने खाने को दूसरे बर्ड से छिपाने में भी ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं. ओके बेटे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स? क्या नेम है इसका? इट इज़ क्रॉ, CROW, क्रॉ. ओके, नेक्स्ट. हैव एन अमेजिंग एबिलिटी ऑफ ऑलवेज फाइंडिंग दियर वे बैक होम इवन इफ दे हैव वॉन्डर्ड फार अवे इन सर्च ऑफ फूड. Scientists have long known that they employ various visual cues to remind them of where their colony is. See the picture. Picture देख के ये तो पहचान ली होगी आपने. क्या फैक्ट है इनके बारे में? Have the amazing ability. इनके अंदर एक आश्चर्यजनक काबिलियत होती है. क्या होती है वो काबिलियत? Always find their way back. यानी जहाँ इनका घर होता है ना, ये वहीं वापस पहुंच जाती हैं. चाहे खाने की तलाश में ये कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी ये अपने घर वापस
आ जाती हैं। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग नोन साइंटिस्ट बहुत लंबे समय से जानते हैं ये। दे एम्प्लॉय वेरियस विजुअल क्यूज टू रिमाइंड देम ऑफ वेयर देयर कॉलोनीज। ये है ना अपनी कॉलोनी को जहाँ ये रहती हैं, आंट जहाँ रहती है उन्हें कॉलोनी बोलते हैं, तो अपनी कॉलोनी को ये फटाफट रिमाइंड कर लेती हैं कि कहाँ से ये लोग आए थे और ये कहाँ रहते हैं। कई काम ये कई जो दृश्य होते हैं उनके कई क्लू बनाकर रखते हैं, ये कई क्लूज़ को है ना ये रिमाइंड करते हैं। जैसे कि हम किसी भी जगह पर जाते हैं, कोई लैंडमार्क होता है, कोई मॉल होता है, कोई थिएटर है, कुछ भी जैसे लैंडमार्क याद करके जाते हैं। अच्छा ठीक है वहाँ पर ये वाला लैंडमार्क है, ये वाली शॉप है, ऐसे ऐसे करके हम रास्ता याद कर लेते हैं। इसी तरीके से ये भी अपना जो वे है उसको लर्न कर लेती हैं। नेम क्या है बेटा इनका? आंट, ए एन टी। नेक्स्ट फोर है, दे कैन एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस बेटर लर्निंग कैपेबिलिटी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एट रेस्टिंग टाइम। ओनली वन साइड ऑफ द ब्रेन स्लीप्स एंड हेल्प्स टू बी अवेयर अबाउट द थ्रेट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। दे कैन एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन, ये अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेटर लर्निंग कैपेसिटी, और इनकी लर्निंग की जो पावर होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कई चैनल्स पे दिखाया जाता है डॉल्फिन्स को कैसे मूव किया जाता है, वो कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करती हैं। मैंने कई देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें डॉल्फिन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो क्या है उनकी, क्योंकि इनकी लर्निंग पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इनके चारों तरफ जैसा एनवायरनमेंट होता है उससे ही ये लर्न कर लेती हैं। एट रेस्टिंग टाइम, और जब आराम का समय होता है तो एक साइड का ब्रेन जो होता है वॉइस होता है और दूसरा जो होता है वो हेल्प्स करता है अवेयर अबाउट द थ्रेट्स, यानी जो धमकियाँ होती हैं, जैसे कोई इनको कोई खाने तो नहीं आ गया, कोई इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ गया, तो ये उस चीज़ से अवेयर रहती हैं। ओके, कौन है ये बेटा? डॉल्फिन। क्लियर। एक फैक्ट भी हमको दिया हुआ है, क्या फैक्ट है ये? डू यू हैव अ पैट एट होम, क्या आपके घर पर कोई पैट है? एनिमल्स आर इंटेलिजेंट, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। एनिमल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनके भी फीलिंग्स होती हैं। हाउ डू यू ट्रीट योर पैट्स, तुम अपने पैट को कैसे ट्रीट करते हो? तो गिव देम फूड, गुड फूड एंड अ क्लीन प्लेस टू स्लीप, और फीड देम विद लेफ्ट ओवर फूड। तो गिव देम गुड फूड एंड अ क्लीन प्लेस टू स्लीप। नाउ व्हाट टू डू बेटा इन योर नोटबुक? यू जस्ट राइट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट चैप्टर नेम डाल देंगे, चैप्टर 6, फर्स्ट चिंपैंजी लिखेंगे और चिंपैंजी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। एग्जिबिट एस्टोनिसिंग मेंटल पावर इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ लर्न साइन लैंग्वेज। इस तरीके से आप अपना इस बुक से देखकर होमवर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।